राजद का इशारा साफ है, महागठबंधन में बवाल है। किस दल को देनी है कितने सीटें, विस्तार से जानिए इस पूरे आंकड़े को। बिहार में अब राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ने मिलकर राजद पर जबरदस्त दबाव बनाया था। और ऐतिहासिक रूप से राजद ने अपनी स्थापना के बाद पहली बार महज 19 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। यह एक इतिहास जैसा था जब बिहार की आधे से भी कम सीटों पर राजद को समझौता करना पड़ा था। मालूम हो कि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, पर शायद राजद अब ऐसा करने के मूड में नहीं है। वो हर कीमत पर इस बार विधानसभा की 150 सीटों पर चुनाव तो लड़ना ही चाहता है। इसके अलावा वो कांग्रेस को 50 के लगभग सीटें देना चाहती है। बाकी की बची 43 सीटों में से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को निपटाना चाहती है। राजद को पता है कि ये तीनों दल इतनी सीटों पर मानेंगे नहीं और गठबंधन तोड़ने की धमकी देंगे। सूत्रों की माने तो राजद नेतृत्व चाहता भी यही है कि अब ये लोग महागठबंधन का साथ छोड़ दें। मांझी, उपेंद्र और मुकेश सहनी के लिए ये तीनों ही बोझ बनते जा रहे हैं। राजद को कवर करने वाले हमारे बिहारी न्यूज के सूत्रों का कहना है कि आरजेडी की इच्छा है कि वो अपने महागठबंधन में वाम दलों और मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को साथ ले आए। राजद का मानना है कि अगर वो लेफ्ट और बीएसपी इन दोनों को साथ लेता है तो उन्हें 43 सीटें देना कहीं ज्यादा फायदेमंद हो सकता है बजाय कि उपेंद्र मांझी और मुकेश सहनी को अपने साथ बनाए रखा जाए। राजद ने इन दलों में सेंधमारी की कवायद भी शुरू कर दी है। पिछले लोकसभा चुनाव में मधुबनी से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार रहे बद्री पूर्वे को राजद ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। वहीं राजद की चाहत है कि ज्यादा से ज्यादा कुशवाहा, मल्ला और मुसहर समाज के नेताओं को अपनी ही पार्टी में जोड़कर अपने सामाजिक आधार और वोट बैंक में विस्तार की रणनीति पर काम शुरू हो सके। हम आपको बता दें कि राजद के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सोशल इंजीनियरिंग के राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और राजद लगातार इसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर महागठबंधन का कुनबा बिखरता हुआ दिखाई दे तो आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।